ये कहानी एक गांव की है। इस गांव का नाम बेलापुर है, जिला करीमनगर। यहाँ रहने वाले हर इंसान के दिल में प्यार मोहब्बत रहती है, लेकिन नफरत दुश्मनी कभी नहीं। यहाँ के लोग मेहनत पसंद करते हैं और इस मंदिर के भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की समस्या कृषि के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ज्यादातर जमीन सूखी पड़ गई है। भगवान की दया से अगर बारिश भी हो जाए तो साल में एक फसल से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और यही गांव की एकमात्र परेशानी है। अब जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है परशुराम। ये इस गांव के सरपंच हैं। ये गांव को किसी भी तरह विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। गांव वालों की तकलीफों को दूर करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। क्या बात है, आप यहां कैसे? आपसे थोड़ी बात करना चाहता था। ठीक है आइए। जी धन्यवाद, बैठिए यहां पर। कहिए क्या बात है। आपकी दया से मंदिर का काम पूरा हो चुका है। अगर आप अपने शुभ हाथों से मंदिर का उद्घाटन कर दें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर आऊंगा, देवी माँ ने इस गांव का बहुत भला किया है, मैं जरूर आऊंगा। आपके दिए हुए रुपयों से गिरवी रखा हुआ घर छुड़वा लिया है साहब। बहुत अच्छा किया आप, अब दोबारा अपनी बीवी को गिरवी मत रख देना, समझ गए? जी साहब। मेरी बेटी की शादी है, कृपा करके आप जरूर आइए। जरूर आऊंगा चाचा। हाँ, जी धन्यवाद। आपकी मदद से पढ़ाई पूरी हो गई साहब, नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अच्छी नौकरी मिलने के बाद जरूरतमंदों की मदद करना, ठीक है? भैया छोटी सी गुजारिश है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी कैसे जिएगा समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप चिंता मत कीजिए, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा। धन्यवाद जी। क्यों रे, पैसे लेते समय मेरे पैर पकड़ते हो, हैं? कहाँ है मेरा पैसा? एहसान फरामोश मरेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। निकाल मेरा पैसा, निकाल। इनका नाम है भैरव सिंह। ये कैसे इंसान है अब तक आपकी समझ में आ गया होगा। एक दिन सरपंच जी ने गांव वालों को एक खुशखबरी देने के लिए बुलवाया। सिर्फ हमारे गांव के खेतों में खेती नहीं हो रही है, बाकी गांव में खेती हो रही है। इसका कारण है कि उनके पास पानी है और हमारे पास नहीं है। बस यही कारण है कि हमारा गांव गरीब रह गया। अब गरीबी से निकलने का वक्त आ चुका है। हमारे गांव के लिए हमारी सरकार एक बड़ा सा तालाब बनवा रही है। एक और बात, सर्वे के मुताबिक तालाब बनाने के लिए बेहतर जमीन भैरव सिंह की है। भैरव जी, अगर तालाब बनाने के लिए आप जमीन देंगे तो पूरे गांव वालों के लिए आप भगवान बन जाएंगे। आपकी जितनी भी जमीन होगी उतनी ही सरकार खेती करने के लिए आपको जमीन देगी, क्या कहते हैं आप? सोच कर बताता हूं। ए चलो रे, चलो। वो बिना कुछ कहे चले गए भैया। देखिए हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो भैरव सिंह राजा राम की बात मानता है, इसीलिए आप सब लोग जाइए और राजा राम के द्वारा उस भैरव सिंह को मनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप सबका काम हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ, क्या बात? नमस्ते भैया। नमस्ते। भैरव सिंह आपकी बात मानेंगे भैया, इस गांव में पानी ले आइए भैया। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग जाइए। ठीक है भैया। ये है राजा राम, इस गांव में भैरव सिंह का इकलौता दोस्त। भैरव सिंह सिर्फ इसी की बात मानता है। आओ राजा, पैक भी हो गए। पैक का क्या है भैया, वो तो कभी भी पी सकते हैं। पहले ये बताओ खेतों के पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे मेरे पास कितनी जमीन है तू अच्छी तरह जानता है, उसमें से 20 एकड़ दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब मैं जमीन दूंगा तो उस पे जो प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका सारा श्रेय किसको जाएगा? उस सरपंच परशुराम को जाएगा। ये मुझे पसंद नहीं। वैसे भी अगले चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ने वाला हूँ, जीतूंगा तो तब देखते हैं क्या करना है। मेरे राज में तालाब बनाऊंगा और मेरा नाम अमर हो जाएगा, क्या कहते हो? क्या भैया, तुम पद और नाम के लिए इतने स्वार्थी हो गए हो? अगर तुम्हें जमीन देनी है तो अभी देने में क्या परेशानी है? ए, क्यों रे, दिमाग खराब हो गया है? मुझसे बगावत कर रहा है?
गांव में किसी को नहीं सुनता हूँ, तेरी सुनता हूँ तो तू सर पे चढ़ जाएगा। मेरे पास धन और बल है लेकिन जन बल नहीं है, वो तेरे पास है। अगले इलेक्शन में मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं पहले ये बताओ। ओके भैया, तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, चलता हूँ। बेलापुर ग्राम पंचायत चुनाव में परशुराम जी ने अपने प्रतिस्पर्धी भैरव सिंह पर 1275 वोटों से जीत हासिल कर ली है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। परशुराम जी जिंदाबाद, परशुराम जी जिंदाबाद, परशुराम जी जिंदाबाद, परशुराम जी जिंदाबाद, परशुराम जी जिंदाबाद। धोखेबाज, मेरे साथ रहकर मेरे दोस्त होकर तेरे लोगों के सारे वोट्स मुझे डलवा कर मुझे जिताओगे ऐसा सोचा था, लेकिन तुम लोगों ने उसका सपोर्ट करके उसे जिता दिया। ऐसा नहीं है भैया, तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें हरा दिया। छी छी, तेरे जैसे गद्दार पर थूकने का मन करता है। थू, क्या बदतमीजी है, लिहाज कर रहा हूँ इसलिए चुपचाप खड़ा हूँ, नहीं तो क्या सर काट डालेगा मेरा। क्यों भैया, इनसे क्यों झगड़ रहे हैं आप? इससे ही नहीं, तुम सबसे लड़ूंगा मैं। भैया हम आपके साथ है। ए, रुक जाओ तुम लोग, मैं तुम सभी से कह रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी जमीन कभी नहीं दूंगा। इस जन्म में आपकी खेती नहीं होगी, तुम सब मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे तुम सब। ए राजा राम, इतने दिन तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब तू मेरी दुश्मनी देखना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। सरपंच जी, ये क्या हो गया, अब हम क्या करें? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ए, ये मेरा बॉल है। नहीं यार, ये बॉल मेरा है। मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मुझे जो पसंद है वो मेरा होता है। ए भाभी, ये बॉल रामू की है। अच्छा, तेरा बाप तो इसके बाप को सपोर्ट करता है और तू इसको सपोर्ट करता है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, चल बोल दे। बॉल मेरा है, बोला ना मेरा है। ए, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? सर, ये बॉल मेरा है सर, ये छीन रहा है, चाहिए तो इससे पूछिए। बताओ अनीता। मुझे नहीं पता सर किसकी है। ये बॉल मेरा है सर। नहीं, मेरा है सर। रुक जाओ, ये बॉल किसका है मैं फैसला करूंगा। तुम दोनों को खो खो खेलना होगा, जो जीतेगा उसे बॉल दूंगा। खो 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 खो। बॉबी अच्छा खेला इसलिए बॉल इसी का है। क्यों मास्टर जी, मेरे बेटे ने फिर कोई बदमाशी की क्या? ये तो हमेशा का है सर। हाँ, लेकिन नई बात ये है। हाँ। कि आपका बेटा खो खो अच्छी तरह खेलता है सर, पढ़ाई में तो मन नहीं है इसका। मेरे साथ इसे शहर भेजिए, अच्छा खिलाड़ी बनाकर लाऊंगा। अरे खेल वेल की क्या जरूरत है, बहुत बड़ा घर है, मैं खुद करोड़पति हूँ, अरे इसे तो जिंदगी में मजे करना है। यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा सर, मेरे साथ भेजेंगे तो आपका नाम रोशन करेगा। अगर ऐसी बात है तो इसे लेकर के जाओ। ए जा, अरे जाना, तेरी तो जा, बोला ना, आ जा, अरे आ जा, तेरी तो, अरे तू कैसा बाप है, ए मुझसे पंगा लेता है, तेरी तो लेकर जाओ उस नालायक को। चल आ जाओ बॉबी। भाइयों और बहनों, ट्रैक्टर की प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर में खिलाड़ी नहीं है, उस ट्रैक्टर का मालिक कौन है? कौन है भाई? अरे कौन होगा यार, अपना रामू ही होगा। अरे गेम तो शुरू हो गया, अरे अपना हीरो कब आएगा, हे भगवान आना। तूने जो बोला वो मैंने सुन लिया,
खेल शुरू हुआ है ना, आग लगा दूंगा। अरे बाप रे, तेरे मुंह में मिट्टी पड़े, उसने तुम्हारी बात सुन ली, आएगा तो बहुत पीटेगा तुझे। जय बजरंग बली। हाँ सही है, बढ़िया। ये तो ये। अबे अपना काम कर, इधर ध्यान मत दे, समझा? कौन है रे तू, इस मालगाड़ी से टकरा रहा है? ए, ये कौन है तू, जानती नहीं है? हवा में उड़ा देंगे तुझे। ए भाई उठा लो इसे। आई हाई, क्या बात है, जरा उधर तो देख दोस्त। आई हाई, क्या चाल है। देख बेचारी कितनी मेहनत से पानी ला रही है वो। अबे तू हर लड़की को गंदी नजर से देखता है, मेरी नजर से देख क्या खूबसूरत लड़की है, मजा आ गया देखकर। क्यों रे, मस्ती चढ़ी है, मेरे बारे में बात कर रहे हो? ए, मैंने थोड़ी बोला जो मुझे बोल रही है, चल निकल यहाँ से। क्या कमर। अरे वो बूढ़ा अपने हाथ इतने हिला क्यों रहा है बे? वो हाथ नहीं हिला रहा यार, इसकी भी घंटियां बज रही है, वहाँ देख लो। अरे इसकी तो बुढ़ा बहुत ही चालू माल निकला यार। वो चालू नहीं है यार, पगला है। काम में काम, दूसरे का नाम। अरे मुझे मार डालेगा क्या? अबे मेरे बाप की इकलौती औलाद हूँ, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाप का क्या होगा? अगर मारना हो तो इन चारों को मारना, मैं तो गांव का हीरो हूँ, मुझे मारने चला है क्या? चल बाहर आ, गाड़ी से बाहर आ, निकल। सॉरी सर, गलती हो गई, वो बुजुर्ग बीच में आ गए थे इसलिए। क्या यार, बुढ़े की वैल्यू हम लोगों से ज्यादा है क्या? कुछ लोगों की शक्ल से ऐसा ही लगता होगा। बोला क्या? अच्छा चल ठीक है, गाँव में नया लगता है। वैसे कहाँ से आया तू? मैं इस गाँव का नहीं हूँ सर, मेम साहब को छोड़ने इस गाँव में आया हूँ। मेम साहब आई हैं? मेम साहब आई हैं। ए, ये लो, स्टुपिड, सड़क पर जानवरों की तरह खड़े हो जाते हैं। हाय हाय हाय, कमाल है यार, गांव में तो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, कसम से। तुम सबकी बहन है। कब आए दीदी? दिखाई नहीं देता, अभी अभी तो आई हूँ। माँ बाहर आओ ना। माँ मंदिर गई है, पापा पंचायत करने गए हैं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर जाती हूँ। नमस्ते साहब, साहब आ गए, साहब आ गए। नमस्कार। नमस्ते। लाइब्रेरी नहीं है, दया करके एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए। एक काम होने के बाद दूसरा करते हैं, पहले इस समस्या का समाधान करते हैं। ओके ओके सर। हाय मम्मी, मुझे इडली चाहिए, डोसा चाहिए, पोंगल चाहिए, सारी चटनी सांबर मुझे ही चाहिए, दीदी को सिर्फ एक ही इडली देना। मम्मी क्यों अनीता, आ गई तुम? सफर अच्छा रहा ना, और एग्जाम्स अच्छे गए हैं कि नहीं? हाँ, अच्छे गए हैं। वेरी गुड। बाजू वाले ने अच्छे से लिखा है क्या? पूछिए पापा। क्यों? देखो ना माँ, वो अच्छे से लिखेंगे तभी तो ये भी अच्छे से लिखेगी। मार खाएगी तू, माँ कहेगी। बहुत बड़ी हो गई है तू। यार कल कार में जो लड़की आई थी कौन थी? अरे वो अपने सरपंच की बेटी है यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाया यार। रुक जरा, फोन आ रहा है एक। हेलो, अरे तू शहर से कब आ रहा है? अरे जल्दी आना, यहाँ बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ क्या रे, नया फोन लिया? अरे मेरा नहीं है, शहर से मेरे दोस्त ने भेजा है। ओहो, इसमें रिंग टोन्स और बहुत कुछ होते हैं इसके अंदर। बहुत कुछ होता है यार। हाँ यार, तेरी कमी थी। क्यों रे, शक्ल क्यों गिरा रखी है? सारी रात नींद नहीं आई यार। क्यों, मच्छरों ने हमला किया क्या? नहीं यार, वो कार वाली मेरा दिल लेके चली गई, और बिना दिल के कैसे जीऊंगा। क्यों यार, तुझे वो खो खो खेलने वाली लड़की याद नहीं आ रही है क्या? खो खो खेलने वाली? अच्छा वो अनीता है ना? नहीं यार, सुनीता। इतनी जल्दी तू अपनी बात को बदलता है, कसम से यार तू भी। ओ माय गॉड, मेरे डार्लिंग को मेरे लिए भेजा है क्या? ए बचपन में मैं उसे छेड़ता था ना, देखना आज भी वही काम करूंगा।
पता मछली कितनी बड़ी होती है? तेरे दिमाग के जितना। मतलब? समझ लो ना, कॉमन सी बात है। वैसे तुझे स्कूल जाना था ना, तो मेरे साथ क्यों आई? बोल। इस लंबू को तूने कहीं देखा है क्या? क्यों गुड़िया, मेरी तारीफ कर रही हो? हाँ, तुमसे स्मार्ट कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अरे जा पागल लड़की। ए, क्यों मेरी बहन को पागल कह रहे हो? कर रहा हूँ, अब तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बचपन में मैं उस बॉल की वजह से तुमसे नफरत करता था अनीता। कभी कभी तुम गांव में आती थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन अभी आ, लेकिन अब तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया है। इतने शॉर्ट टाइम में इतना फास्ट पिकअप कैसे हो गया? गाल कितने प्यारे हैं और बाकी सब कुछ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो तुम हर दिन दो बियर मारती हो क्या? ए, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी दीदी सिर्फ दो बियर पीती है क्या? तेरी तरह नल्ला समझाए क्या? मेरी दीदी हर दिन 10 बियर पीती है। इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। जो भी हो सीधे सीधे बोल देती हो, वो भी बिना बातों को घुमाए। मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है अनीता। मुझसे शादी कर लो, लाइफ बना दूंगा। चल बदमाश कहीं का। क्या बदमाश? ओए, जिस जुबान से बदमाश बोला ना, उसी जुबान से आई लव यू कहला दूंगा। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देख। अरे चलो यार। वो देखो आ गया वो। क्यों सुनीता मैडम, मुझसे शादी करोगी क्या? जाना। अरे क्या भाई, ये तो एक्सपायरी डेट हो गई है, इससे शादी करोगे तो बच्चे भी नहीं होंगे। देख रही हो क्या बोल रही है? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अगर तुम अपना फैसला नहीं सुनाओगी ना, तो ऐसी कोई मुझसे शादी कर लेगी, तो उसके बाद तकलीफ तो तुम्हें ही होने वाली है। झूठा कहीं का, तुम मुझसे शादी करेगा ये सोच के मैं कितनी खुश हो गई थी। हाँ तो आंटी, मुझसे शादी कर लेना। तू मुझसे शादी करेगा? चपाती के सूरत वाला, चल जा यहाँ से। ऐसे हंस हंस कर मुझे रुलाओ मत मेरी जान, मेरे घर पर आ जाओ ना। आइए साहब आइए, जीतोगे तो साड़ी मिलेगी। अपनी पत्नी को उठाकर भाग के जीतने वाले को ये रेशम की साड़ी मिलेगी। आइए जल्दी आइए, इस मौके का फायदा उठाइए। इस लाइन के बीच में भागना होगा। आज बताओ तुझमें कितनी ताकत है। अब देख मेरा कमाल। नहीं जीतोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। भागूंगा ना। देखो साड़ी नहीं मिलेगा तो तेरा लुंगी फाड़ दूंगी। भागूंगा। Hey, रुको रुको, पति को पत्नी को उठाकर भागने की बात हुई है, ऐसे करो को तो साड़ी नहीं मिलेगी। चलो भागो यहाँ से, भागो। अरे छोड़ो। इतना मजा झूले पे भी नहीं आता होगा। अरे बूढ़े की मूछ भी टाइट है, अंदर से भी टाइट है। ले लो घर पे साड़ी पहना देना। कौन हो तुम? अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी समझा था। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। शाबाश मेरे बच्चे, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। और आपने क्या किया? मुझे 17 साल पहले गांव से भगा दिया। हाँ इसीलिए तो तुम गोल्ड कप से वापस आयो। ये सब डैडी आपके मेहनत का फल। हाँ वो तो ठीक है, तभी तो तेरे लिए इतने बड़े जुलूस का इंतजाम किया है। क्या यार, कैसे हो तुम लोग? एकदम बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया है। और बताओ यार। ग्रेट है यार। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। अच्छा जी, अच्छा जी, चलते हैं। हे चलो पूरा गाँव घूम के आते हैं यार। अरे हम गाँव नहीं जा रहे हैं यार, गाँव के बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे? अरे बॉबी बॉबी, यूथ का नाम बदनाम मत करो। हाँ। यार गांव से बाहर जाने के लिए सभी हाथ उठाते हैं यार, लेकिन तुम क्यों सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हो यार? अरे बाबू तुम तो कुछ समझाओ यार, कुछ तो समझाओ तुम लोग। टाइम क्यों वेस्ट करो यार, चलो चलते हैं ना गांव घूमने। चलो चलते आओ। चलो चलो मजा आएगा। आजा आजा, ये जगह कितनी बढ़िया जगह है, खुले में बैठो आराम से मस्त।
अरे तुम लोग इसके लिए इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे? ये ताड़ी मुझे नहीं जमेगी। एक काम कर, एक फुल विस्की की बॉटल लेके आ यार। कैसी बात कर रहा है यार, ताड़ी के बारे में ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा यार। हाँ, असल में ताड़ी बोले तो पेड़ के ऊपर से आती है ताड़ी। ताड़ी जेब का कोई भी नहीं होता है घाटा। घाटा ताड़ी पीने के बाद हो जाओगे मदहोश। मदहोश अब ज्यादा मत सोचो, पी लो पी लो। एक मिनट रुको, ए, सोचा था गांव में जाके क्या करूंगा, लेकिन ये तो यहीं पे है। अब तो हर दिन दिवाली है अपनी। नमस्कार साहब। पेट्रोल का भाव फिर से बढ़ गया है, सभी लोग गाड़ी छोड़कर अगर साइकिल चलाएंगे तो अच्छा होगा। सारे पेपर्स रेडी है ना? सब कुछ रेडी है भैया। इन सबको अच्छी तरह चेक कर लिया ना? हाँ, चेक कर लिया है। तो फिर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं क्या? क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे चुप क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं हुआ है पापा। शहर में पली बड़ी हो ना, गांव में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। अपनी बहन के साथ जाकर गांव घूम कर आओ। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर आता हूँ। ओके ठीक है पापा। थैंक्स यार, तेरी वजह से मुझे छुट्टी मिल गई। क्यों गुड्डी, कहाँ चली सवारी? तुम 100 साल तक जियोगे, मैं खुद तुम्हें बुलाना चाहती थी। हमें बीच पर घुमा लाओ ना। इतनी आसानी से कैसे पटा लेती हो तुम? तुमसे जो भी शादी करेगा ना, दिन में 100 बार मरेगा। चुप रहो जीजू, इतना टेंशन क्यों लेते हो? दीदी तुम आओ ना। मैं नहीं आऊंगी, तू जा। अरे रुक जा, तू कहाँ आ रही है कबाब में हड्डी बनकर? तेरी दीदी आएगी तो ही मैं आऊंगा। झूठा कहीं का। आगे मैं बैठती हूँ, तुम पीछे बैठ जाओ। कोई गड़बड़ की ना तब देखना। मैं क्या करूंगा जान। मुझे अकेला छोड़कर मत जा। क्यों, मैं कुछ करूंगा ऐसा डर लग रहा है क्या? तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है? अच्छा, तुम मेरे आगे और मैं तुम्हारे पीछे, इसी तरह तुम्हें मैं देखता रहूं और झूमने लगूं। क्या पागलों की तरह मेरे पीछे आ रहा है? हाँ क्या करूं, तुम इतनी प्यारी हो और खूबसूरत हो कि तुम्हारा पीछा कोई भी कर सकता है। अपना भी टाइम आएगा, तुम मेरी बाहों में रहोगी। वाओ, चांस मिल गया। ओह थैंक यू बॉस। अरे रुक जाओ ना। ए, छोड़ो मुझे। अब जब तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे तकिए की कोई जरूरत ही नहीं। ला 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 ला। ए अनीता, बस एक बार मान जाओ, माहौल भी तो साथ दे रहा है ना, बस एक बार हाँ कह दो, शादी करके घर ले जाऊंगा। क्या दीदी, इतनी जल्दी भाग गई तुम? चुप कर, इसलिए नहीं आ रही थी मैं। चल चलते हैं। हे। और तुम यहीं पड़े रहो। चल। अरे बॉबी, क्या हुआ बे? सारा मूड खराब कर दिया बेवकूफ कहीं का। वो यहाँ इसके साथ मजे ले रहा है और वहाँ रामू अनीता के साथ फ्री में मजे ले रहा है। यार कहाँ यार? वहाँ बीच के पास। बॉबी ए, चल हट, तू तो होटल की मुर्गी है, वो तो मेरे घर की मुर्गी है। चल हट। आज के बाद मत ले जाना भाई। उतरो उतरो। ए अनीता, मेरे बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझसे प्यार नहीं करोगी कोई बात नहीं, दूसरे किसी से प्यार करोगी तो मैं क्या करूंगा जानती हो ना? होशियार रहना। तेरा नाम क्या है? अनीता की बहन हूँ। ओह, बहुत चालू लग रही है।
ए, कहां गया होगा? क्यों रे, टाइम हो गया क्या? लगता है बहुत मेहनत करके आए हो, बहुत भूख लगी होगी, है ना? जाकर खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर खाना खा के आया हूँ। मेरी बात सुनो रामू, डिग्री पा चुके हो, एक अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ क्या करोगे बेटा? हम तो इतने सालों से खेतों में मेहनत करते आए, तुम मत करो बेटा। पापा, आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे खेती करना पसंद है, तो बार बार बोलकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? घर आते ही मेरा दम घुटने लगता है। मेरी बात तो सुनो रामू। छे, ओ आनंद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया। सफर कैसा रहा? आधा घंटा लेट हो गई फ्लाइट। हाँ, बीबी बच्चे सब ठीक है ना गांव में? हाँ, सब अच्छे हैं भैया। हाँ हाँ, चलो आओ, अंदर आओ, आओ। अरे आजा 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 आजा, तेरे ही पसंद की सारी चीजें बनी है। खा लो बेटा, खा लो, अच्छे से खा लो। जॉब के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचना, इसी तरह खाना खाकर सड़कों पर घूमते रहना। ए, मुंह बंद करो अपना, लड़का खाना खा रहा है उस वक्त क्या बोल रही हो? ए, अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दे, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरी जायदाद का तू इकलौता वारिस है, तेरी मर्जी, तुझे जो पसंद है तू वो कर। ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? मैं पढ़ लिख कर अमेरिका पहुँच गया, इसे भी अमेरिका जाना होगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, वहाँ अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ए, तू खाना खा। कोई भी बाप अपने बेटे को अच्छी राह दिखाता है, और ये है कि अपने घमंड से इसे बिगाड़ रहे हैं, इसका क्या होगा भगवान जाने। हे बॉबी, यही अपना अड्डा है यार, हमारे लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ यार, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, तुम्हारे चक्कर में खेलने शुरू किया अभी। ए बॉडीगार्ड, पेपर निकाल। जल्दी करना भाई, रख। 2 एकड़ झींगे का तालाब, ईशो का यही डील है। और तुम्हारा? 2 एकड़ जमीन। मेरी भी। मेरी भी 2 एकड़ जमीन। मेरी भी 2 एकड़। मेरी 5 एकड़ जमीन। शो, 4 एकड़ मछली का तालाब, मेरे रामू के खेत के बाजू का है, पेट्रोल पंप के पीछे वाला खेत, मेरा भी 4 एकड़, मेरी 3 एकड़ जमीन। सही है भाई, बहुत सही खेल चल रहा है, आगे चलो यार, मजा आ गया। हाँ देख। अरे यार, जरा मची जला। हाँ, जला ना। क्या बॉबी, ये सब क्या चल रहा है? ये खेलना अच्छी बात नहीं है, अगर तुम लोग इसी तरह खेलते रहोगे तो पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा। तुमने अगर ये खेल बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। क्या बोला तू? पुलिस में कंप्लेन करेगा? हाँ, ए, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ए, चल जा, इसको लेके आना, लेके आ। क्या हुआ तुझे? वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, मैंने खेलने से मना किया तो मुझे बहुत मारा यार। किसने मारा? उस बॉबी ने मारा। चल मैं रुक, कमीने। ए, यू ब्लडी। मारा तो इस मरेले को लेके आया है क्या? चल बता, क्या कर लेगा तू? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पहले बता इसको क्यों मारा तूने? अरे जुआ खेल रहे थे और क्या, इसका डायलॉग मुझे पसंद नहीं आया इसीलिए मारा। तू बताना क्या करेगा? रुक, दिखाता हूँ। अरे तो ये ले यार। अरे ची 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 ची। अरे क्या कर रहा है तू? हमारे गाँव में जुआ खेलता है, तेरे साथ तो ऐसा ही होगा। ची ची ची, कितना गंदा कर दिया यार, मैं कुछ भी करूँ उससे तुझे क्या? हाँ तू कुछ भी कर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मेरे दोस्तों पर दोबारा हाथ उठाया ना तो इस गोबर से तेरा मुंह काला कर दूंगा। ए, मेरे हर काम में आड़े आ रहा है तू, मुझसे पंगा मत ले, छोड़ूंगा नहीं। ए, ये धमकी जाके अपने चमचों को दे दे, चल रे। तू इसकी तो अब तक आ जानी चाहिए, आई क्यों नहीं? ए, छी, उन्हें इस तरह से देखते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैंने क्या देखा? ओ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, अपनी तो करने की उम्र है, देखने से क्या होगा। इस तरह की बातें करोगे ना तो सर फोड़ दूंगी मैं।
कहीं भी देखो, कुछ भी करो, मुझे क्या करना है। hey! अरे ए रामू, जितना आसान समझता तो उतनी आसान है नहीं है। दिखने में तो ऐसी लगती नहीं है, लेकिन अब इसको पटाने का टाइम आ गया है। यस, गेट रेडी फॉर भेजा फ्राई। ए कालू, लड़कियां पटाना एक बहुत बड़ा आर्ट है यार, एक बार सीख लो तो मजा आ जाता है। हाय डूड। हाय हाय हाय, कहां से आ रहा है? पार्क से आ रहा हूँ यार। और अनीता का क्या? और वैसे अनीता का मैटर कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? हाँ, बोलना है। अरे पता नहीं यार, इन लड़कियों का दिल को समझ में नहीं आता। मोमेंट देने की तरह लगता है तो मूड ऑफ कर देती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी आंखें मुझे ही देख रही हैं, लेकिन पास जाता हूँ तो नजर बदल जाती है। वो हंसती है तो लगता है कि मुझे ही देख के हंस रही है, लेकिन पास जाता हूँ तो जली हुई बल्ब लगती है। वो तुझे पसंद करती है यार, चाहे कुछ भी कहो दोस्त, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, अरे वो बाजू वाली चंपा है ना, मैं कुछ भी करता हूँ भाव ही नहीं देती। हा? सीधे घर जाके बोला शादी करते हैं, फोड़ डाला मुझे यार। अरे यार, लड़कियां ना चुपचाप मजे लेती रहती हैं, तुम दिल की बात कहोगे ना तो चिल्लाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसीलिए मेरी बात सुन भाई, यस या नो पता लगा ले पहले। हाँ, नहीं तो बुड्ढा हो जाएगा बैठे बैठे। उम्र तो तुम जैसे बूढ़ों की हो गई है, मेरी नहीं हुई है। वैसे वो जल्दबाजी कर रही है यार, मैं थोड़ी ना, मैं तो उसे गैप दे रहा हूँ। अबे सामने वाले को एड़ा समझने वाला बहुत बड़ा। हे, वो रामू का कुछ ना कुछ करना होगा यार, वो हमारे हर काम में अपनी टांग अड़ा रहा है। असल में तुम चुप क्यों हो यार? अगर तुम हाँ कहो तो उसे इस दुनिया से उठा देंगे। अपना तो ठीक है यार, अनीता से वो प्यार करता है तो ये क्या कर रहा है? तुम सब लोग उसे इतना भाव क्यों दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसे मेरा सामना करने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। फालतू लोगों के बारे में बात करके टाइम वेस्ट मत करो यार, इतना इम्पोर्टेंट गेम चल रहा है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। हाँ, शो। छे। पैसे दे। ये कितने का है? पैकेट 2 रुपए का है। केले दे दो। जल्दी चलना। ए गुड्डी, चल थोड़ा साइड हट जा, तेरी दीदी से छोटा सा काम है। काम छोटा हो या बड़ा, मेरे सामने करो। तू बहुत बड़ी हो गई है, तुझसे बात करना तो बेकार है, तो चल साइड हट। आहा। ए अनीता, एक बात पूछता हूँ, बता दे, डू यू लव मी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बट आई लव यू, सोच कर बताना और नाराज मत करना। चुप कर, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, 2 दिन लड़कियों से बात करते हैं और तीसरे दिन I love you कह देते हैं। वैसे मैं तुझसे प्यार क्यों करूं? तूने कौन सा तीर मारा है? हमेशा बेकार में घूमता ही रहता है, कोई नौकरी नहीं है और मुझसे शादी करने चलाया, कैसे पालेगा मुझे? बस हो गया क्या? ये फिल्मी डायलॉग्स बस करो, नौकरी करके ही तो पालना होगा। ऐसा करूंगा तो ड्यूटी टाइम में मशीन की तरह काम करना होगा, और तुम्हारे साथ रहना हो तो ये सब कुछ छोड़ना होगा। मुझे अपनी लाइफ में एवरी मिनट तुम्हारी जरूरत है। कैसे पालूंगा जानना चाहती हो? मेरे पापा के पास 10 एकड़ जमीन है, वो मेहनत से मैं 20 एकड़ बनाऊंगा। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मेरी आंखों में देखकर बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर तुम्हें टच करता तो तुम मुझे थप्पड़ मार देती। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, अपने आप को धोखा देती हैं और हमें भी धोखा देती हैं। ए रामू, I love you. आओ यार आओ, सुनीता आंटी का थोड़ा टेस्ट तो कर लो। गरम तवे का डोसा खाना पसंद है लेकिन, और वो भी तेरे हाथों से बना हो तो क्या बात है। क्यों बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा डोसा आज भी बहुत गरम है। हे, ज्यादा जोश मत दिखाना, तेरी अनीता उस रामू के प्यार में पागल हो गई है। क्या क्या बोल रहा है तू? जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। रामू ने मंदिर में अनीता को प्रपोज कर दिया है और वो मान भी गई है, अपनी आंखों से देखा भाई।
मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं कितना खतरनाक हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं कोई चीज चाहता हूँ ना, तो उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ, और अगर ना मिले तो पैरों तले कुचल देता हूँ। मैं हूँ ना, दूसरा क्यों चाहिए तुझे? मुझे सिर्फ वही चाहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ और वही मेरा पति होगा। क्या कर लेगा तू, चल जाए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, जिसके दम पे तू इतना उछल रही है ना, उसे ही मार डालूंगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से दूर होने के डर से बस। उसकी डिटेल्स ये है कि वो रामपुर के भाग्यनगर में रहने वाला। पापा पापा पापा, एक बार आओ पापा, आओ ना पापा, प्लीज पापा आओ ना, प्लीज 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 आओ ना पापा, आओ ना, आओ ना, कर रहा खाने के समय, प्लीज पापा आगे खा लेना ना, प्लीज 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 आओ ना पापा, प्लीज 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 पापा, प्लीज प्लीज बैठो ना पापा। वो देखिए, सिर्फ इतना पता चला है कि इनके प्यार के लोग इनकी शादी के खिलाफ थे। देखा ना आपने, अनीता के साथ अगर मेरी शादी नहीं हुई ना, तो कल मेरे बारे में भी ऐसी ही न्यूज आएगी। अनीता कौन है बेटा? वही पापा, सरपंच की बेटी। दिमाग खराब है तो मसाज करा ले, ठीक हो जाएगा। असल में बात क्या है वो बता। मुझे इतने सालों से सरपंच बनने से रोकने वाले की बेटी के साथ तू शादी करेगा? दिमाग खराब हो गया तेरा? दिमाग आपका बेटा नहीं है जीजा जी। हाँ तो मैं हूँ क्या? ऐसा नहीं है जीजा जी, ये बॉबी किसका बेटा है? मेरा बेटा है। आपका दर्द मिटाने वाला डॉक्टर है। अरे पहले मत बुझा, नहीं तो तुझे सूली पर चढ़ाकर जान से मार दूंगा। जीजा जी, आप बड़े सरपंच नहीं बने, यही आपकी प्लस पॉइंट है। आपका बेटा उस लड़की से शादी करेगा तो आपका अपोजिशन खत्म, अगले इलेक्शन में आप ही सरपंच बनोगे। अरे कमाल हो गया, ए तू तो मेरे बेटे के रूप में भगवान निकला। वैसे फिर भी कैसे हो सकता है? मुझे क्या करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो, सुबह जाकर तेरे रिश्ते की बात फिक्स करता हूँ। थैंक यू डैडी। फिर भी डैडी को एक बार याद दिला दूं। अब क्या हुआ? अनीता डैडी। क्या है बेटा? अनीता चाहिए डैडी। अनीता तेरी ही होगी, मेरे सर की कसम, ठीक है ना? आप क्या है? अनीता डैडी। मैंने तुझसे कह दिया है ना, अब जाकर सो। डैडी, 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 डैडी। क्या है? अनीता। जोर से बोलना। अनीता डैडी। हे, तू इसे तरह टॉर्चर करता रहा ना, तो अनीता से तेरी शादी करके तुझे खत्म करके उसे विधवा बना दूंगा, पागल कहीं का। चल जा यहां से। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जरूर आऊंगा, रखता हूं। क्यों बेटी, स्कूल जा रही हो? ओके बेटी। बाय डैडी। आज नाश्ते में क्या है? छोले भटूरे। हाँ? ये सभी हमारे घर क्यों आ रहे हैं? क्या है ये सब कुछ? ये सब क्या है भैरव जी, क्या शादी का न्योता लेकर आए हैं? मैं आपको दो खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आइए ना, अंदर आइए, बात करते हैं। बैठिए। अब बताइए भैरव जी। ऐसा कुछ नहीं, आपकी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाने आया हूँ। दूसरी खुशखबरी, अगर आप मान गए तो आपके रुके हुए प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा। कितनी अच्छी बात कही आपने भैरव जी, पुरानी बातों को भूलकर आप मेरे घर पर गांव की भलाई के लिए आए हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये रिश्ता मुझे मंजूर है भैरव जी, ठीक है ना? एक बार अनीता से बात कीजिए। अरे वो मेरी बेटी है सीता, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए।
क्या करूं मैं? पापा बॉबी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं कल जाके तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। पापा। अरे आओ बेटी आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? ओह सॉरी बेटी, तुझे बिना बताए मैंने तेरी शादी तय कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी पापा। क्या बेटी, क्या कह रही हो तुम? बॉबी अच्छा लड़का नहीं है पापा, मेरे हॉस्टल के पास एक दिन मुझे देखकर कमेंट पास कर रहा था, अपने ही गांव का है, ये सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पीकर मेरे हॉस्टल के सामने खड़ा हो जाता है, मेरी फ्रेंड रजनी से प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा ऐसा कहकर उसे धोखा दिया पापा, और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है पापा। पापा मैं रामू से प्यार करती हूँ, ये बात आपको बताना चाहती थी पर चाहकर भी नहीं बता पाई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, और अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? सरपंच जी बाहर आइए। आपने ऐसा क्यों किया सरपंच जी, बताइए, बेटी की पसंद जाने बिना आप उसकी सगाई कैसे कर सकते हैं? क्या यही आपका इंसाफ है? देखो बेटा, बॉबी के बारे में मुझे अभी पता चला है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बात बहुत आगे पहुंच गई है। अब मैं किया हुआ वादा तोड़ूं या फिर अपनी बेटी का दिल तोड़ूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सच्चाई तो पता चल गई है ना, तो अभी तो सही फैसला कीजिए। सुनो संत जी, आपका रवैया मुझे पसंद नहीं आया, कोई भी ऐरा गेरा मेरे घर आएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ए, ऐरा गेरा किसे बोल रहा है? जुबान संभाल के बात करना, वरना तेरी गर्दन तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अपनी जुबान संभाल के बात कर, टेढ़ी बात करेगा तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सर काटेगा तो क्या मैं तुझे देखता रहूंगा? अभी बताता हूँ तुझे। अरे भैया ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? भैरव जी आप इन्हें रोकिए। बाबू अरे अरे हटो, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? भैरव जी इन दोनों को लड़ाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? हमारे रिश्ते इतने मजबूत नहीं हुए हैं तो ये झगड़ा फसाद क्यों कर रहे हैं? बाबा कैसा बड़ा आदमी है तू, सारे लोगों के सामने जबान देकर आज मुकर रहा है तू? यहाँ नहीं पंचायत में देख लूंगा मैं तुझे। अरे भैरव जी मेरी बात तो सुनिए। भैया इस गाँव के सभी बड़े लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस गाँव में मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, बेकार इंसान हूँ कहकर आप सभी मेरे पीठ के पीछे बोलते रहते हो। मैंने आपसे कभी कोई वादा किया ही नहीं और कोई वादा कभी तोड़ा भी नहीं, लेकिन आपका चहेता नायक इस गांव में सालों से राज करता चला आ रहा है, वही आपका सरपंच, मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी का वादा करके अब पीछे हट रहा है। भैया अब बताओ क्या ये बात सही है? तुम गांव वालों की भलाई करोगे ये सोचकर मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं जानता था। देखा भाइयों देखा, ये गांव के बड़े आदमी नहीं है, धोखेबाज है, मेरे बेटे के साथ सगाई करके अब पीछे हट रहा है ये आदमी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, इनके प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी जमीन दूंगा, मैंने ऐसा भी कहा था और देने का वादा भी किया था। तेरी बेटी मेरी बहू बनने के बाद जमीन के बारे में सोचूंगा, कहा था कि नहीं? इस तरह की झूठी बातें मत करो। तुम चुप रहो, मेरी बात सुनिए, गुनहगार मैं हूँ तो समाधान करना भी मेरा काम है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। देखा आप लोगों ने, मिले तो सर पकड़ते हैं नहीं तो पैर पकड़ते हैं ऐसे लोग। टाइम देने के लिए हमारे चाचा जी घड़ी बेचते हैं क्या? बकवास बंद कर चुप हो जा। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला मत, इंसान की तरह बात कर, समझा? छोड़ो, रुक जाओ, मेरी बात मानो, रुक जाओ। ये मेरा असली शेर है, असली मर्द है ये, इस गाँव के सभी लोग नामर्द है, इसका सामना करने वाला कोई यहाँ मर्द है क्या? ये देखो भीख मांगने वाले आजकल मर्दानगी की बात कर रहे हैं। कौन यहाँ पर भीख मांगने वाला है बोलो? तेरे बेटे के ऊपर तू चाहे कितना भी लगा ले कोई नहीं खरीदेगा, मेरा बेटा किंग है यार, मर्द है, नेशनल खो खो प्लेयर है। हाँ ए,
तेरा बेटा नेशनल खो खो प्लेयर है तो मेरा बेटा इस गांव का बब्बर शेर है। सुनो बब्बर शेर जी, आप सच में इतने बहादुर हो तो मेरी शर्त को मानोगे क्या? ए, मेरा बेटा क्या तेरे कहने पर मानेगा? सुनो सुनो, मेरा बेटा खो खो चैंपियन है, तुम इसके साथ जीतोगे तो मैं अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और अनीता भी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम हार गए तो इस गांव को छोड़कर तुम्हें दूर जाना होगा, ठीक है ना? ए, तेरी दौलत किसे चाहिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ही काफी है, तू आग के गोले से गेम खेल रहा है। ए बॉबी, तेरी मंजिल अब गंगा के हवाले होगी, खो खो हरा कर रख दूंगा, देख लेना। ए, पर दे मुझे डैडी। साइन करो इस पर। भाई लोग, मैं पूरे गांव वालों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन सरपंच पर मुझे भरोसा नहीं, आपको भी उस पे साइन करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संक्रांति के दिन खेल शुरू होगा, उसी दिन हार जीत का फैसला हो जाएगा। चलो। सर, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जीत तुम्हारी होगी। रामू, रामू, रामू रुको, रामू, ए, रामू रुको तो। अरे ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? तुम पहले चलो, मैं बाद में बताती हूँ। बताओ तो क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? हम दोनों कहीं दूर भाग जाते हैं, इस खेल पर मुझे भरोसा नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसा नहीं है रामू, तुम ये शर्त जीतोगे मैं जानती हूँ, पर अगर तुम हार गए तो मुझे उस बॉबी से शादी करनी पड़ेगी, इस सोच कर ही मैं घबरा जाती हूँ। ए, नीचे उतरो, उतरो। जानती है सारे जीवों में बस इंसान ही महान होता है, वो पता है क्यों? क्योंकि उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए अगर उसे भूल जाए तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ जीना ही जिंदगी नहीं होती, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। नेगेटिव थिंकिंग तो नरक में ले जाएंगी, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे ना तो जीतने के लिए बस उतना ही काफी है। आई लव यू रामू। कस का दबाना बे। दबा तो रहा हूँ। आपने क्या किया डैडी, थोड़ा तो दिमाग चलाया होता, आपने रामू से शर्त क्यों लगा लिया, सीधे अनीता को घर ले आते। रोने का काम उसका है, उससे कैसे निपटना है वो मैं देखता हूँ, खाना पीना छोड़कर वो पागल हो जाएगा, उसे देखकर उसके बाप का सर घूमने लगेगा, वो तेरे से कैसे जीत सकता है, तू उसे कैसे हराएगा ये सोच। जा, जाने दीजिए, आप कभी नहीं समझेंगे। अरे जीजू, कल शाम को दीदी ने मंदिर के पास तुम्हें मिलने बुलाया है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया है क्या? गुड्डी, जब कोई टेंशन होता है तो मैं फोन ऑफ करके यहाँ पर आ जाता हूँ, वैसे भी फोन की आदत नहीं है मुझे, इसलिए स्विच ऑफ करके रखा था। तुम्हें कैसे पता चली ये बात कि मैं एग्जाम के लिए टेंशन ले रही हूँ? अरे अभी तूने तो कहा ना, चोर कहीं की पकड़ी गई ना, तेरा काम तो मैं बाद में करता हूँ, शाम को आकर मैं उसे मिल लूंगा, ऐसा बोल देना। बड़ा चालू लड़का है, कुछ कहने आई थी मेरे बारे में कह गया, अब मुझे नचाएगा ये, बाप रे, इसे पटा कर रखना होगा, जीजा जीजा जी कहना होगा इसे। तेरी मनोकामना पूरी होगी बाली के। मैंने क्या मांगा है, तुम्हें कैसे पता? यही कि मेरी शादी राम के साथ करवा दो भगवान, बस यही ना। ऐसा नहीं है, छोटा सा करेक्शन है, रामू से शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। ए, ये कैसा पागलपन है? सही कहा, मैं पागल ही हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हूँ। बॉबी नेशनल प्लेयर है और तुम तो अपने मोहल्ले में खेलते हो, पता नहीं क्या सोचकर तुमने ये शर्त मान ली। प्यार, यही तो मेरी हिम्मत है। हिम्मत वाला कोई भी मर्द होगा ना, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो उसे मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। अब तुम अपने घर जाओ। अरे जल्दी जल्दी चलना यार। अरे यार, क्या सड़क बनी है, 4 साल से देख रहा हूँ, रोड तो उसी तरह से है, मुझे खोखो की टेंशन है और मुझे क्वार्टर की बिना पिए नींद नहीं आती है भाई, मुझे सच कह रहा हूँ मैं। तू ये पीना बिना छोड़कर पहले प्रैक्टिस कर यार। ओके 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 ओके। क्या? अरे गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। अरे सर, सर, मास्टर जी। मास्टर जी नमस्ते। मास्टर जी नमस्ते। आप तो रघुनाथ मास्टर जी है ना? हाँ, और तुम? अरे मैं हूँ मास्टर जी, आपका स्टूडेंट, आप बचपन में मुझे खोखो सिखाते थे, मैं वही हूँ। अरे रामू, तुम हो? कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बड़े हो गए हो रामू,
ये कौन है? बबलू है ना? हाँ मास्टर जी। अच्छा वो बॉबी भी गांव में ही है ना? वो सुधर गया है या यहाँ भी पहले की तरह लफड़ा करता रहता है? उसी की वजह से हम डरे हुए हैं मास्टर जी। इसने तो नेशनल खोखो प्लेयर बॉबी से शर्त लगाया कि हम ही जीतेंगे। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा, इसका प्यार, लोगों की भलाई, क्या करें हम लोग मास्टर जी? असल में क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे रे रामू जी, तेरी ही होगी बेटा। अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ सुनोगे तो शौक हो जाओगे। असल में वो खो खो खेलना जानता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं मास्टर जी आप? सच कह रहा हूँ, बचपन में अच्छा खेल रहा है सोच के एकेडमी लेकर गया था। लेकिन वो सिटी में आकर बहुत बिगड़ गया, हर दिन पीना घूमना, खेल में तो ध्यान ही नहीं था उसका। मुझे पता चलने के बाद उसे डांटा तो घर पे पता चलेगा, इसलिए उसने पैर पकड़ लिए, क्योंकि पैसे मिलने बंद हो जाएंगे उसे घर से। परसों का नेशनल शो जीतने वाला ये नहीं है, जीतने वाले को खरीद कर इसने अपनी पब्लिसिटी की है, इसलिए एकेडमी से इसे निकाल दिया गया है। तुम थोड़ा मेहनत करो रामू, तुम जरूर जीतोगे। वहाँ देखो यार, जमीन आसमान का फर्क पता नहीं है इन बेवकूफों को, खोखो को कबड्डी समझ के खेल रहे हैं। ऐसा क्या, तो ये खोखो नहीं है क्या? अरे हमने ऐसे ही तो खेल के नेशनल कप जीता था। आवाज कम कर, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे बाबी तू हाँ तो बोल यार, ये लोग क्या चीज है, ऐसा दिखाऊंगा ना एक एक को। हे सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है वो हमारे बॉबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अपने बॉबी को खोखो खेलना आता है कि नहीं क्या पता? अरे प्लीज यार मेरे भाई, मुझे खोखो खेलना नहीं आता, गांव में किसी के सामने मत बताना प्लीज मेरे भाई, समझ रहा है ना? ठीक है। वैसा बोलूंगा तू सोच रहा है, ऐसे फालतू के डायलॉग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे बारे में किसी को बताएगा तो खड़े खड़े ही दफना दूंगा। मेरे साथ खोखो खेलो, हम लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो तुम सबको एक एकड़ जमीन दूंगा, अगर साथ नहीं दिया तो उसी जमीन में दफना दूंगा। जो भी ऑप्शन चाहिए डिसाइड कर लो। भाई एक दिन का टाइम दे दो यार। भैया आओ यार आओ, यस और नो, अगर जवाब यस है तो ओके, अगर नो कहा तो तुम्हारी जिंदगी। अरे नहीं यार, हम तो तेरे साथ हैं। तुम भी आओ यार, गिरोगे तो तैरना भी नहीं आता आज। संभल के आओ यार, अरे बैलेंस बनाकर यहाँ बैठो। बॉबी तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ यार, क्रिकेट देखा है, वॉलीबॉल देखा है, रम्मी देखा है, ये खो खो क्या है यार? बचपन में स्कूल में खेला था यार, अब कैसे खेलना है भूल गया हूँ। कैसे खेलना मैं जानता हूँ, बट आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट। हमें कोई आदमी चाहिए जो लीड कर सके। समझ में नहीं आया यार। कोच यार, कोच चाहिए, कितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं, ढूंढ के ले आओ। ये कोच क्या होता है, समझ में नहीं आया। लेकिन बॉबी हमारी भी जिम्मेदारियां हैं यार, तेरे साथ खेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा भाई। अरे हर दिन का 6,000 दूंगा और तुम लोगों को जो भी चाहिए वो भी दूंगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई चुटकी चुटकी में मसल दूंगा। अरे अभी तो बस से उतरा हूँ, क्या सुबह सुबह परेशान करते हो यार, आ रहा हूँ ना घर। अरे वो बॉबी है ना? जी हाँ भाई साहब। ए बॉबी इधर आओ। कैसे हैं शुभम मामू, बहुत पहले बचपन में देखा था आपको, गन लेके आप चले गए थे, उसी के लिए आए हैं क्या? ऐसा नहीं है बॉबी, रिटायर हो गया हूँ ना, अब यहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, माल लाए हैं ना? लाया हूँ खेत में मिलना। Cheers! बताओ बॉबी तुम कब आए गांव में?
फालतू में आया मामा, आके यहाँ फंस गया। मेरी जिंदगी यहाँ खेत के कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई है। अरे बॉबी, इस खुशी के मौके पे तू बच्चे की तरह क्यों रो रहा है? ये ब्रांडेड शराब पीने के वक्त उस पुराने खेल को क्यों याद कर रहा है यार? खेल? कौन सा खेल? उस खेल की वजह से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सिर्फ परेशानी नहीं मामा, लग गई है। अगर ये खेल में नहीं जीतेगा तो इसे ताली मार के घूमना पड़ेगा। जो भी हुआ है वो मुझे बताओ, मैं सबको देख लूंगा। जो नहीं होने था वही हुआ मामा। मामा, ये अनीता है। आई लव यू अनीता। मामा, ये कौन है जानते हैं? ये रामू। क्यों यार, मुझे क्यों मारा? मामा, ये कौन है जानते हैं? ये मेरा बाप। सब कुछ इसकी वजह से हुआ, जान से मार दूंगा इसे। तूने इसे पसंद किया था ना? छी, झूठा कहेगा। इस पागल ने इसे प्यार किया। हाँ? इसने क्या किया जानते हो मामा? इसके बाप से इसका हाथ मांग लिया था। इसने आके रोका तो मेरा बेटा खोखो चैंपियन है, उससे जीतो कह दिया मामा। मुझे वो खेल आता ही नहीं है, नहीं गांव में कोई वो खेल जानता है। अब क्या करूं मामा? तेरा शुभ मंगल करने के लिए तेरा मामा तेरे साथ है, समझा बाबी? असल में तेरी जीत के लिए लगता है मैं जंग छोड़कर आया हूँ। मुझे मिलिट्री में नौकरी किस लिए मिली थी जानते हो? मैं खो खो प्लेयर हूँ, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मर जाओ सालो। रामू, रामू, चलो ना चलते हैं। रामू, रामू, दीदी, चलो ना चलते। दीदी, चलो यहाँ से दूर चलते हैं। रामू, मैं हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम जैसे इंसान से प्यार करती हूँ इसलिए आना पड़ा। आज तक सिर्फ लड़के ही लड़कियों के लिए इस तरह आए हैं और तुम हो कि यहाँ खर्राटे मारकर सो रहे हो। छे, अरे अब ऐसा क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है इसलिए नींद भी नहीं आ रही। ठीक है तो आओ सो जाओ। मैं यहाँ सोने के लिए आई हूँ क्या, पागल कहीं के? पता नहीं तुम मुझे कहाँ से मिल गए। ऐसी शर्त लगाने के बाद भी तुम्हें कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना? शर्त ही तो है, वो जीत जाऊंगा। अब घर जाओ, जाओ जाके सो जाओ आराम से। मैं नहीं जाऊंगी, पहले किस दो। यहाँ पर भी। मम्मी, 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 क्या है? दीदी राम के साथ भाग गई। कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने कहा दीदी नहीं है, आजकल तो बहुत झूठ बोलने लगी है, जाकर चुपचाप सो जा। सुकून से सोई थी, जगा दिया। उसके साथ मिलकर ये भी चालू हो गई है, अभी मजा चखाती हूँ। भैया चाय देना एक। उधारी कब चुकाओगे भाई? पहले पैसे हाथ में देकर दूसरी बात करना, जाओ चलो। मेरी तकलीफ पता नहीं कब खत्म होगी, हे भगवान। ए, पैसे लेकर कितने चक्कर लगवाएगा? जब भी तेरे घर आता हूँ तू मिलता ही नहीं है, अगली बार अगर पैसे नहीं दिए तो सोच लेना। भैया सारी फसलें बर्बाद हो गई। फसलें बर्बाद हो गई तो मुझे इससे क्या, जाकर कहीं जहर खा के मर जा। दो दिन में पैसे नहीं दिए ना तो समझ लेना। खो, खो, खो। अरे उठना, खो।
अरे अरे मिल जा मेरे भाई, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने क्या समझाया था और तुम क्या कर रहे हो? क्या उस्ताद, मेरा नाम क्या है आपको पता है क्या? मेरा नाम है पावर बाबू। नाम में पावर है, बॉडी में नहीं। जब तक मैं देशी दारू नहीं पीता, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है उस्ताद जी। जो भी पीना पी लेना, मैं धूप में तप रहा हूँ। मैं घर जाकर ठंडी हवा खा के आता हूँ। शुभ मामा, ठंडी हवा या हवा हवाई? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, एनकाउंटर कर दूंगा, समझा क्या? हे बॉबी, पूरे बदन में दर्द हो रहा है यार, बियर पिला देना सबको। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई यार, बहुत थक गया हूँ। ढाबे पे चलते हैं यार। ठीक है। ए बॉबी, तू खाली बॉबी नहीं है यार, हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तू। ये गेम तो हम जीत के रहेंगे, अगर चाहे तो इस बियर की कसम खा के कहता हूँ। पूरे बदन में बिजली दौड़ रही है यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देख, शर्त जीतने तक अनीता को छू नहीं सकता, लेकिन कोई और तो चली सकती है ना। किसी लड़की को सेट करना यार। मेरा रामनगर में एक दोस्त है यार, अगर वो हमें मिल गया तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा। नंबर एक बार देख के बताता हूँ। अरे मिल गया यार। अभी किसका फोन आ गया यार? हेलो। अरे बोटी, मैं पावर बाबू बोल रहा हूँ। अरे हमें ना एक आइटम चाहिए यार, कहीं मिलेगी क्या? मुझे और मेरे फ्रेंड के लिए यार। अबे रॉन्ग नंबर है, रख फोन। रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर रख गया। फिर कौन है? हेलो। हमें पूरे दिन के लिए नहीं चाहिए भाई, बस आधे घंटे के लिए मिल जाएगी तो। अबे मैं दलाल नहीं हूँ यार। अरे दलाल हो या ब्रोकर हो, ब्रोकर हो या दलाल हो, असल में लड़की दोगे कि नहीं दोगे बताओ? लड़की चाहिए? रुकिए सर, एक नंबर देता हूँ, नोट कीजिए। हेलो 9908644426। ओके भैया, गया काम से। अरे नंबर मिल गया, बात करता हूँ। हेलो, हम चाह रहे हैं, पेमेंट रेडी है, कहाँ मिलना है बताओ? बस स्टैंड के पास आओ। हाँ, अच्छी बात है, तुम वही रहो, हम सब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे यार, लड़की वहाँ वेट कर रही है, चलो चलते हैं, चलो 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 चलो, चलो। मेरी लॉलीपॉप। अभी तक आया क्यों नहीं? फोन करने वाले तुम ही थे ना? कहीं ये आंटी तो लड़की नहीं है यार? छह, ये आंटी मुझे नहीं चाहिए, चलो यार, चलो चलो। रुकिए रुकिए, मैं तो मीडिएटर हूँ, इतनी जल्दी क्या है, मेरे पीछे आओ। आप मेरी बॉडी पे मत जाइए, मैं आपको धक्का देकर मेरा मतलब उठा के ले जा सकता हूँ। लगता है तुम लोगों को बहुत जोश चढ़ा है, बिना बात किए मेरे पीछे आओ, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। चलो मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ। अरे हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रही हो? हम क्या चोर है? हा? मर्द है हम। ज्यादा शोर मत करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। है चुप रहो, चुप रहो, आंटी को गुस्सा दिलाते हो यार। आंटी को तुमने क्या समझ के रखा है? हमारी प्यास बुझाने आई है यार, बम का गोला है यार। चलो चलो सभी चुपचाप अंदर आओ, अंदर बहुत वायलेंट है, कैसे बर्दाश्त करोगे पता नहीं। सड़क पे नहीं आंटी, उस बिल्डिंग में दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। हाँ चलो 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 चलो, संभल के संभल के, आराम से आराम से। ये बम कभी बढ़ सकता है। क्यों रे, लड़कियाँ चाहिए तुझे? बहुत गर्मी चल रही है, तुम लोगों को भी सारी गर्मी निकालती हूँ। ये ले, ये ले, ये ले कमीने, ये भी ले। क्या मैं? तेरी टॉप, लड़की को असेट करने के लिए बोला तो लेडी पुलिस से मार खिलाता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों बे? मालिक पूछना खत्म हुआ क्या? हो गया मालिक। हाँ मालिक।
हाँ। छोटे सरकार इस खेल को जरूर जीतेंगे मालिक। जीतेगा छोटू। हाँ। यही तो मेरा सपना है, तू बस गाड़ी को पोछा लगा। अरे अरे बाप रे मर गए। हम लोगों को बहुत मारा उसने। कहीं से ठुक ठुका के आए जीजा जी। ए, जाकर अपना काम करो। ठीक है। ए, तुम सिर्फ आगे आओ। ए, तुम सब जाओ। ठीक है, चलो चलो यार। किसने मारा तुझे? ए, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे लिए अनीता जरूरी है, मेरे लिए इज्जत जरूरी है, और वो तेरे हाथों में है। तू अगर खेल नहीं जीता तो नहीं नहीं, तुझे तो जीतना ही होगा। बस थोड़े दिन तू अपने सारे बुरे काम को छोड़कर दिल से खेल की तरफ ध्यान दे, तब जाके तुझे बहुत इज्जत मिलेगी। जा अंदर जाकर रेस्ट कर ले। भैया भैया भैया, आपके पैर पड़ता हूँ भैया, ऐसा मत कीजिए भैया। भैया इतनी बार समझाऊं तुझे, भैया मुझे माफ। ऐसा नहीं है तो जान देना जाकर अपनी। भैया थोड़ा समय दीजिए भैया। पेपर कभी भी पढ़ सकते हैं, खो खो गेम कैसे खेलते हैं वो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो। अरे क्या यार तभी। ए, वो पत्थर उठाओ। देखो गेम में पूरे 18 लोग होते हैं और हर बैच में 9 लोग, मतलब 2 बैच। एक बैच यहाँ बैठ जाती है तो दूसरे बैच से 3 लोग यहाँ पर एंटर होते हैं। पूरा खेल 9 मिनट का होता है, तो इस 9 मिनट में कौन सबसे ज्यादा आउट करेगा वही जीतता है। बाप रे, इतनी बड़ी राम कहानी। बचपन में एक बार तेरे साथ एक फालतू खेल खेला था यार, अब उम्र हो गई है, इस तरीके से भागना दौड़ना यार ये सब भाई मेरे से नहीं होगा यार। बचपन में खेला था यार, लेकिन आज हमारे गांव का भविष्य हमारे हाथों में है। माँ का कर्ज चुकाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे गांव का कर्ज जरूर चुकाएंगे, और यही मौका है। अगर हम चाहे ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सही कहा, लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं होगा, सही दिशा होनी चाहिए। अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे तो हम सबको हार का मजा चखना पड़ेगा, इसलिए हमें भी एक कोच की जरूरत है यार, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। कोच कहाँ से? अरे अब ये कहाँ से आ गया दिमाग खाने के लिए। खो खो, ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं मामा, तपते रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं ये लोग, इनके औकात से बाहर है खोखो मामा। ए, तेरा बुरा टाइम अब शुरू हो चुका है, इसीलिए तो हम लोगों से पंगा लेने के लिए चला आया। सोचा होगा हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों ने शहर घूम घूम करके एक बेहतरीन कोच बुलाया है, वो देखो। अरे यहाँ देखो, यहाँ ये डेढ़ फुटिया कोच कैसे हो सकता है? हे, 1997 स्कूल लेवल में टॉप था, 2000 जगह जगह मंडल में टॉप था, 2005 डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीता, 2010 स्टेट लेवल जीता, और अब तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें उखाड़ने आया हूँ। उखाड़ने के लिए तेरी हाइट कम पड़ जाएगी बटले, चल जा अपना काम कर। मैं क्या हूँ इन्हें दिखाना पड़ेगा। Come on, follow me. जाओ। ये सुपर है। अरे कहाँ से लेके आ गया इसको? मैं हूँ। आजा भाई, तू आजा, आजा। आया आया आया। कब कहता है? वाटर बॉटल देना। देखो ऐसे डाल दे, तीरे से डाल दे। अरे इतना लेट कर रही है। ऐसे ऐसे इधर इधर। ए पकड़ना टोकरी। अरे तू नीचे से आ। ए तेरी तो कितनी लाइन खींचते हैं ये भी नहीं पता है तुझे? अब कैसे सिखाऊं मैं बददिमाग कहीं का? कैसे लाइन खींचते हैं मैं दिखाता हूँ। कैच मुझे दे। ए कुछ गलत हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। मैं हूं ना। जी 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 अब होगा सही। क्या हुआ बाबू? क्या कर रहा है ये? अरे तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है यार?
चल जा यहाँ से, ऊंट की तरह खड़ा हो जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम आता जाता नहीं है। क्या कर रही है? यहाँ देखो तुम, जो मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो। हाँ हाँ देख। अच्छा ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब ये क्या नया कर रहा है यार? इसको तो आज बराबर देखता हूँ। अरे कालू, हमारे खेल में खिलाड़ी कम हो तो भी चलेगा, लकीरें कम हो गई तो समझो ऊपर ऊपर उठा दूंगा। ए बटले, चल खड़ा हो जा। क्या, कैसा खेल है भैया? लड्डू है। अरे जा, क्या बोल रहा है? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। मेरे जैसे कोच को अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। ऊपर ऊपर उड़ा दूंगा। अरे ये जो बात कर रहा है, इसके ऊपर तो पहले ही डाउट आ जाना चाहिए था हमको। अबे ओए बटले, खो खो बोलकर कोई और गेम सिखा रहा है क्या? हाथ क्यों लगा रहे हो? क्या 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 करने वाले हो तुम लोग? अबे रुक, तेरी तो कूद जा रहा है। तू ही लाया था ना इसका मिस्टेक। सब इसकी वजह से यार। अरे क्या यार, सुबह सुबह रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है। बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े दिन में सब कुछ बंद। वो सब तो ठीक है बॉबी, लेकिन अपने उस्ताद जी कहाँ है? वो हमें परेशान कर रहा है, बोला था सुबह आएंगे पर अभी तक कोई खबर नहीं है। एक काम कर, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। हाँ ठीक है। अरे उस्ताद जी कहाँ चले गए? कहाँ चला गया? अरे चाचा, वो मिलिट्री मैन मामा को देखा क्या आपने? हाँ लोटे में तो नहीं है, मैदान में दिखता है तो बताता हूँ, ठीक है? इन गांव वालों ने हमें क्या समझ रखा है? बताता हूँ, हर एक को बताऊंगा। अरे बॉबी, वहाँ क्या चल रहा है? चलो देखते हैं यार। चल यार। चलो। शुभम मामा सुनीता के घर में है क्या? चल कर देखते हैं जरा। शुभम मामा का जूता तो सुनीता के घर के बाहर रखा है, कुछ हो रहा है क्या अंदर? चल यार देखते हैं क्या मामला है। चलो यार चल के देखते हैं कहाँ है उस्ताद जी। यहाँ क्यों आयो? ये कोई टाइम है? सुबह सुबह परेशान करने चले आते हैं। भागो। ये और अबे क्या कर रहा है, चलना जल्दी चल। क्यों रे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तू तो अपनी मनमानी करने लगा। अब तक जितनी ट्रेनिंग दी है उतनी काफी है उनको हराने के लिए। छोटा सा ट्रायल देता हूँ, गौर से देखना। ए हड्डी पसली ऊपर नीचे करके चीर फाड़ देना। अभी देखो मामा, उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हेलो ब्रदर। क्या हुआ? क्यों ब्रदर, ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। हमारे साथ एक ट्रायल गेम खेलोगे? ट्रायल रियल सब संक्रांति पे होगा। अरे संक्रांति तो अभी बहुत दूर है दोस्त, इस बीच हम छोटा सा ट्रायल मैच खेलते हैं ना? हम नहीं खेलेंगे। ठीक है आ जाओ, चलो कम ऑन, चलो शुरू करो। अरे बाप रे, हमें कोई हरा नहीं सकता। अरे अगर मेरी टीम से उलझेंगे तो यही हाल होगा ना उनका। मैं भारी हूँ बे देख के। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। चैन पाना हो तो शादी कर लो ना, वहाँ तेरे राम की भी हालत यही होगी। वैसे राम से शादी करना इतना आसान नहीं है, ये तो बीच में फंसी है बेचारी, यहाँ वहाँ कहाँ जाएगी। रामू और मेरी शादी की टेंशन तू हम पर ही छोड़ दे। उस राम ने सीता से शादी करने के लिए धनुष बाण तोड़ा था, मेरा राम मेरे लिए ये शर्त जीत कर ही रहेगा। हाँ हाँ, इस परीक्षा में तो हार चुका है और कितने परीक्षा में जीतेगा। डमी गेम में भी हार चुका है, किस हिम्मत से उसके बारे में बात कर रही हो? क्यों छोटी, एक बार हार गया तो क्या हुआ,
जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन मेरा रामू इस बार जरूर जीतेगा। दम है तो इस बार कोई उसे हरा कर दिखा दे, वो नहीं हारने वाला। डमी गेम में क्या रखा है छोटी, असली गेम में वो अपना जलवा दिखाएगा। चल जा। अरे यार, तुम्हारे साथ खो खो खेलने के लिए घर में कोई मान ही नहीं रहा यार। वो कह रहे हैं कि इतने सालों से तकलीफ झेल रहे, तेरे खो खो खेलने से तकलीफें कम थोड़ी हो जाएंगी। अब हम लोग ये गेम नहीं खेल पाएंगे भाई, माफ कर। सॉरी यार, सॉरी यार। इसने ऐसा क्यों किया मामा? मर के क्या हासिल कर लिया इसने? और कितने दिन भूखा रहेगा बताओ? आज ये था, कल मेरी बारी, आगे वो मरेगा। हाँ राम, हम सब की जान तेरे खेल पे ही निर्भर है। अगर तू नहीं जीता तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भैया इस बार तुम्हें जीतना ही होगा। तुम्हारी जीत के लिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं। ये जीत हमारी होगी, हमारे गांव वालों की होगी। ऑल द बेस्ट। अरे बॉबी, हम लोग हार जाएंगे यार। उनकी प्रैक्टिस देखकर पागल हो गया हूं यार मैं। खेल में मैं जीतूं या हारूं, अनीता मेरी होगी। मुझे क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूं मैं। खोखो का गेम खेलने के लिए ये मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। खोखो का गेम देखने के लिए आसपास के गांव से बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अरे लगे रहो रामू भैया। इसमें एक टीम की खेल की अवधि 4.5 मिनट की होगी। इस 4.5 मिनट में जो टीम ज्यादा प्लेयर को आउट करेगी वही टीम जीत हासिल करेगी। अच्छा, काश बॉबी हार जाए तो हमारे हालात ठीक हो। भैरव सिंह की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं बॉबी और गाँव वालों की तरफ से रामू। इस खेल का मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप सबको सुनाता हूँ। अगर बॉबी हार गया तो सरपंच जी की बेटी अनीता के साथ इनकी सगाई टूट जाएगी। इसके अलावा भैरव सिंह से संबंधित सारी जमीन गांव के हित के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और अगर रामू हार गया तो अनीता के प्यार को और अपने गाँव को छोड़ कर जाना होगा। ये राम और बॉबी के बीच और गाँव वालों के बीच हुआ समझौता है। राजा या रानी? मेरा तो हमेशा राजा ही है। सपने मत देख। राजा या yeah! Yeah! Come on, come on! We'll be right back.
अभी 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 आउट करता हूँ, अभी आउट करता हूँ। रुक 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 रुक, क्या करूँ? रुको, स्कोर करेगी। Thank you.
शाबाश उठो। खेल खत्म होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1। रामू ने प्रतियोगिता जीत ली है। क्या कर रहा है? चल जा। ये अनिता को ले जा रहा है, नीचे उतारो। अनिता को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये क्या है पापा, ये क्या हालत बना रखी है? तेरा कप कहाँ है बेटा? और मेरे सरपंच की कुर्सी कहाँ है? मैं पंचायती, पंचायत कहाँ है बेटा? माँ, इन्हें अंदर लेके जाइए ना। अरे क्या है? हाँ, अंदर जाऊंगा तो पंचायत देगा क्या, सरपंच देगा क्या, खेत देगा क्या, पंचायत कहाँ है बेटा?
मेरी सरपंच की कुर्सी कहाँ है बेटा? अब उठिए, मेरी कुर्सी कहाँ है? इन्हें अंदर लेके जाइए ना। है बेटा, मेरी जमीन कहाँ है बेटा? ना बता माँ। मिल गई, चल चल चल, तेरी कुर्सी मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, चल चल, कब मिल जाएगा?